Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Tess Anajos and today we are going to move further with our grammar portion. Aapko yaad hai last time kya kiya tha humne grammar mein? We did letters, formal and informal. So today we will be starting with a new topic. Do you know what is it? It's noun. It is one of the most important portion of your grammar, right? So, noun क्या है ये तो सबको ही पता है ना? A name of a person, place or thing or animal. Person, place, thing or animal. ठीक है? चार चीजें. Name of a person, place, thing or animal. ठीक है ना? That's noun. That means आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब noun की category में आता है. ठीक है? We'll see the definition. The name of a person, animal, place or thing is called noun. You have some examples. ठीक है? Name, Ravi, teacher or doctor. Now, अब आपने देखा, name में Ravi है. Ravi हो सकता है, Chintu हो सकता है, Tess हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. किसी का नाम. या फिर, वो क्या काम करता है? मतलब, उनका क्या profession है? ये भी noun में आता है, ठीक है? Different type of noun हो जाएगा वो, okay? Next is place, भोपाल, school, museum. Now, भोपाल एक जगह का नाम है, right? एक city का नाम, जैसे एक country का नाम हो सकता है, एक place का नाम हो सकता है, एक planet का नाम हो सकता है, ये सब place है. इसके अलावा कोई भी ऐसी प्लेस जहां आप जा सकते हैं, स्कूल, म्यूजियम, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, ठीक है? कोई भी जगह जहां आप जा सकते हैं, दैट इज नाउ, वो प्लेस के अंदर आता है. नेक्स्ट इज एनिमल. एनिमल में सिर्फ एनिमल नहीं, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, सारे क्रीचर्स आएंगे, ठीक है? एंड थिंग कोई भी नॉन लिविंग चीज जो आपके आसपास है, चेयर, टेबल, बेड, हाउस, कार, प्लांट्स, कोई भी चीज जो आपके आसपास है, ठीक है? चार कौन कौन सी चीजें हो गई? नेम, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. नाउ इसके और भी डिफरेंट टाइप्स हैं, राइट? सो लेट्स सी व्हाट आर द फोर मोस्ट कॉमन टाइप्स. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? नाउ कॉमन नाउन मतलब कॉमन, कोई भी चीज, जैसे कोई गर्ल, ठीक है? कोई गर्ल, कोई बॉय. अब मैम जब बोल रही है कि गर्ल या बॉय, कोई स्पेसिफिक गर्ल है? नहीं. सो कॉमन नाउन में कुछ भी आ सकता है, गर्ल या फिर फ्लावर. अब यहां ये नहीं पता कि कौन सा फ्लावर या कौन सा गर्ल, ठीक है? कॉमन नाउन में एक कॉमन ग्रुप बताते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन. नाउ पहला क्या था? कॉमन, कुछ भी हो सकता है. प्रॉपर मींस एक प्रॉपर पर्सन या एक प्रॉपर जगह या एक प्रॉपर एनिमल. लाइक अब गर्ल है तो सीमा. नाउ दैट इज प्रॉपर नाउन. मैं किसके बारे में बात कर रही हूं? सीमा के बारे में. या फिर फ्लावर कौन सा हो सकता है? रोज. मैं कौन से फ्लावर की बात कर रही हूं? About rose, ठीक है? Next is collective noun. Collective noun means a group of nouns, या फिर a group of people, a group of students, या फिर क्या बोलते हैं? अब animals, हम लोग अगर domestic animals, cow को ले, तो उनके group को क्या बोलते हैं? Herd of cows. So collective में we get herd of cows. मतलब किसी भी नाउन का कलेक्शन. कलेक्टिव लिखा है ना, मतलब अ ग्रुप, ठीक है? नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज फीलिंग्स, ठीक है? अभी तक हम जितनी भी चीजें देख रहे थे, यू कुड सी देम, यू कुड टच देम, यू नो दैट यस इट इज देयर. बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन में दे इंक्लूड फीलिंग्स लाइक एंगर, ऑनेस्टी, ठीक है? कोई भी फीलिंग आप देख नहीं सकते हो ना, बट यू कैन फील दैट. सो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कोई भी चीज जो आप
विजुअली देख नहीं सकते हो, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, बट इट इज देयर. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टाइप्स, राइट. दिस इज ऑनेस्टी, राइट. सो द फोर टाइप ऑफ नाउन्स आर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वील सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. कॉमन नाउन. कॉमन रेफर्स टू पीपल, प्लेस और थिंग इन जनरल, राइट. जैसे मैंने बोला, कुछ भी, एक कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है. आप वेगली किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो. लाइक यहाँ पे क्या लिखा है, सॉन्ग. सॉन्ग कोई भी सॉन्ग हो सकता है, राइट. कैन बी एनी सॉन्ग. बॉय, इट कुड बी एनी बॉय, राइट. नेक्स्ट इज प्रॉपर. प्रॉपर नाउन आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. इसमें हम लोग एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बात करते हैं. एग्जाम्पल, जॉर्ज और इंडिया. आपने एक प्लेस के बारे में बात किया है तो आपने प्लेस नहीं बोला, आपने इंडिया बोला. तो एक पर्टिकुलर प्लेस है, राइट. एक पर्टिकुलर नेम है आपके पास. द नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव रेफर्स टू अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ पीपल. सेट ऑफ कलेक्शन मतलब बहुत सारे एक साथ है, अ ग्रुप है. ठीक है, एग्जाम्पल ऑडियंस और हर्ड. ऑडियंस इज यूज फॉर पीपल. आप कोई म्यूजिकल शो देखने जा रहे हैं तो जो लोग ग्रुप बना के बैठे हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑडियंस, जो देख रहा है. सो दैट्स अ ग्रुप, दैट्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल. सो दैट इज ऑडियंस. एंड हर्ड इज यूज फॉर एनिमल्स. एनिमल्स का एक ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे, हर्ड. द नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इमोशंस दैट डू नॉट एग्जिस्ट फिजिकली. एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और इमोशंस, ऑनेस्टी हो सकता है, लव हो सकता है, एंगर हो सकता है, राइट. कोई भी फीलिंग, या फिर आप एक आइडिया दे रहे हो कि कोई भी आइडिया, हमें ये करना चाहिए. ओके, आपको एक स्कूल प्रोजेक्ट मिला, सो आप अपने टीचर को एक आइडिया दे रहे हो कि हाँ मैं सोलर सिस्टम बनाऊंगा. सो दैट आइडिया इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मतलब वो फिजिकली आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, बट देयर इज दिस आइडिया. सो आपको पता है कि हाँ ऐसा कुछ है. ठीक है, समझ में आ गया. वॉट आर द फोर टाइप्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देयर आर मोर टाइप ऑफ नाउन्स, लेकिन आपके सिलेबस में यहीं तक है. ठीक है, सो नाउ वी स्टार्ट ऑफ विद द एक्सरसाइजेस. वॉट एम आई कॉल्ड कलेक्टिवली. ओके, नाउ ये है कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स. कलेक्टिव नाउन में क्या था, अ ग्रुप ऑफ कोई भी चीज, पीपल भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है. नाउ यू हैव सम एग्जाम्पल्स. फर्स्ट रो में कुछ चीज़ें हैं, सेकेंड में है एंड थर्ड में है. आपको बताना है कि कलेक्टिवली वॉट आर दे कॉल्ड. सी द फर्स्ट वन, मैंगो, पाइनएप्पल एंड ग्रेप्स. कलेक्टिवली इनको क्या बोलते हैं, किसके एग्जाम्पल्स है ये, दे आर एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट्स. सो द फर्स्ट वन इज फ्रूट्स. नेक्स्ट इज डॉग, कैट एंड रैबिट. ये सब क्या है, फ्लावर्स के नाम है, नहीं ना. वॉट आर दे आर एनिमल्स. सो कलेक्टिव नाउन इज एनिमल्स. द लास्ट वन इज एंट, वैस्प एंड मॉस्किटोस. वॉट इज एंट, चीटी, मधुमक्खी, फिर भावरा, मच्छर, ये सब क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, they are insects. What are they, they are insects, insect. So we have seen the examples of three collective nouns. Kon kon se, fruits, animals and insects. Mango, pineapple, grapes are fruits. Dog, cat and rabbit are animals. And wasp and mosquitoes are insects, right. Easy hai na. Now we go on with the next one. Okay, now what is this? Do you know what I do? So this is name. Nouns ka name mein. Humne kya dekha tha?
फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था ना कि नेम में सिर्फ नेम नहीं बल्कि प्रोफेशन भी आता है. सो दीज आर द प्रोफेशंस. आपके राइट साइड पे कुछ प्रोफेशंस दिए हुए हैं. प्रोफेशंस मतलब आई एम टीचिंग यू, सो आई एम अ टीचर, दैट इज माई प्रोफेशन, मेरा काम है. प्रोफेशन मीन्स जो भी काम आप करते हो. सो राइट साइड में आपके पास प्रोफेशंस है एंड लेफ्ट साइड में उसकी डिस्क्रिप्शन है कि क्या कर रहा है वो इंसान, क्या करता है. सो यू हैव टू मैच द प्रोफेशन विद द डिस्क्रिप्शन. सबको आता है ना ये, बहुत इजी इजी वर्ड्स है. लेट्स डू इट. फर्स्ट वन इज ऑथर. ऑथर, ऑथर क्या करता है आपको पता है? लेट्स सी. ग्रोस क्रॉप्स, पेड़ उगाता है. राइट्स बुक. सेल्स फ्लावर्स. टेक केयर ऑफ अस इन हॉस्पिटल्स. बेक्स केक ब्रेड. केयर्स फॉर आर टीथ. सो व्हाट डू यू थिंक ऑथर क्या करता है? ऑथर राइट्स बुक्स, राइट? सो दिस वन इज राइट्स बुक. ओके, हम लोग यहां पे लिखते हैं ताकि आपको एक क्लियर. ऑथर, ऑथर राइट्स बुक्स. नाउ द सेकेंड वन, प्लम्बर. आपके घर पे प्लम्बर आता है? कभी देखा है प्लम्बर को? देखा है. ओके, प्लम्बर क्या करता है? प्लम्बर हमारे घर के पाइप्स ठीक करता है ना? उनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं उनको, स्पैनर जैसी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, राइट? वो क्या करते हैं? हमारे घर के पाइप्स ठीक करते हैं. सो वेयर इज मेन्स पाइप्स? देयर. मेन्स टैप्स, मेन्स टैप्स एंड पाइप्स. सो ये कौन करता है? प्लम्बर. सो दैट इज फॉर प्लम्बर. ठीक है. नेक्स्ट वन, बेकर. इसमें तो नाम में ही लिखा है, बेकर बेक्स केक एंड ब्रेड. बेकर बेक्स केक एंड ब्रेड. बेक्स केक एंड ब्रेड. ठीक है. द नेक्स्ट वन, फ्लोरिस्ट. इसमें भी नाम में लिखा है, फ्लोरिस्ट, समथिंग रिलेटेड टू फ्लावर्स, है ना? सो वेयर इज फ्लावर्स? सेल्स फ्लावर्स. फ्लोरिस्ट सेल्स फ्लावर्स. नेक्स्ट वन, डेंटिस्ट. डेंटिस्ट के पास गया है कोई? जब आपके दांत तोड़ने होते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? डेंटिस्ट के पास. सो वेयर इज डेंटिस्ट? केयर्स फॉर आवर टीथ. हु केयर्स फॉर योर टीथ? डेंटिस्ट. नेक्स्ट वन, नर्स. आप जब हॉस्पिटल जाते हो तो आपके वाइटल्स कौन चेक करता है? वाइटल्स मतलब आपका पल्स चेक कर रहा है, थर्मोमीटर निकाल के देख रहा है, फिर जब आपको इंजेक्शन लगाना होता है तो आता है. कौन आता है? डॉक्टर आता है? कभी कभी डॉक्टर आता है. यूजुअली कौन आता है? नर्स, राइट? सो नर्स टेक्स केयर ऑफ अस इन द हॉस्पिटल. नर्स क्या करती है? टेक्स केयर ऑफ अस इन द हॉस्पिटल. लास्ट वन इज फार्मर. फार्मर कौन होता है? जो खेत में काम करता है, किसान, है ना? सो फार्मर इज वन हु ग्रोज क्रॉप्स. फार्मर इज वन हु ग्रोज क्रॉप्स. हमारे लिए खेत में कौन काम करता है? फार्मर. सो वील सी द नेम्स वंस मोर. ग्रोज क्रॉप्स, फार्मर. फार्मर क्या करता है? अनाज उगाता है हमारे लिए, वीट राइस पैडी ये सब कौन उगाता है? फार्मर. नेक्स्ट वन इज राइट्स बुक. बुक्स कौन लिखता है? स्टोरीज कौन लिखता है? ऑथर. कौन? ऑथर. नेक्स्ट वन, सेल्स फ्लावर्स. फूल कौन बेचता है? फ्लोरिस्ट. नाउ ये नेम्स नेक्स्ट टाइम आप जब सेंटेंस बनाते हो, आई हैव टू गो टू समवन हु सेल्स फ्लावर्स, इससे अच्छा क्या है? आई हैव टू गो टू द फ्लोरिस्ट. मुझे फूल बेचने वाले के पास जाना है, एक फुल सेंटेंस बोलने के बजाय आप क्या बोल सकते हो? आई वॉन्ट टू गो टू द फ्लोरिस्ट. मेरे को फ्लोरिस्ट के पास जाना है. सो समवन हु सेल्स फ्लावर्स इज फ्लोरिस्ट. देन
टेक्स केयर ऑफ अस इन द हॉस्पिटल? हमारा ध्यान कौन रखता है हॉस्पिटल में? नर्स, नर्स जो सिस्टर्स हैं वो लोग हमारा ध्यान रखती हैं, है ना? राइट. नेक्स्ट इज बेक्स केक एंड ब्रेड. ओ, बेक्स केक एंड ब्रेड. कौन केक कौन बनाता है? क्या बोलते हैं उनको? बेकर. क्या बोलते हैं उनको? बेकर. नेक्स्ट इज केयर्स फॉर आर टीथ. हमारे दांतों का ख्याल कौन रखता है? डेंटिस्ट. नेक्स्ट इज मेंस टैप्स एंड पाइप्स. घर के पाइप और टैप्स कौन ठीक करता है? प्लम्बर. ठीक है. सो यू शुड यूज दीज वर्ड्स नेक्स्ट टाइम यू हैव टू से एनीथिंग अबाउट द प्रोफेशन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन. नाउ यू हैव सम नाउन्स इन द बॉक्सेस. यू हैव टू यूज देम टू फिल इन द ब्लैंक्स. एलिस वॉज फीलिंग टायर्ड ऑफ सिटिंग विथ हर. एलिस किसके साथ बैठी थी? आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? पिक्चर्स, रिवर, एलिस, सिस्टर एंड बुक. ऑलरेडी एलिस हो गया है तो एलिस तो नहीं होएगा, है ना? सो एलिस किसके साथ बैठी थी? सिस्टर. सो एलिस वॉज सिटिंग विथ हर सिस्टर ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. रिवर के साइड को क्या बोलते हैं? बैंक ऑफ अ रिवर. एंड डूइंग नथिंग. एलिस नदी के साइड में अपनी बहन के साथ बैठ के बोर हो चुकी थी. क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ करने को नहीं था. वंस और ट्वाइस शी हैड पीप्ड इनटू द. एक या दो बार उसने कहाँ पे झांक के देखा? इनटू द डैश हर सिस्टर वॉज रीडिंग. हम क्या रीड करते हैं? बुक. सो टू द बुक शी वॉज रीडिंग. बट इट हैड नो डैश. बट वो बुक में डैश नहीं था. क्या क्या हो गया? हमारा सिस्टर हो गया, बुक हो गया एंड रिवर हो गया. उस बुक में पिक्चर नहीं था या एलिस नहीं था? पिक्चर नहीं था, राइट? सो हैड नो पिक्चर. और कॉन्वर्जेशंस मतलब बातें. आपने कार्टून की बुक्स जो कॉमिक्स होते हैं उसमें देखा है ना, सबके ऊपर बादल बने होते हैं एंड उसमें डायलॉग्स होते हैं. जो सिस्टर बुक पढ़ रही थी उसमें ना कोई पिक्चर था और ना एक कोई डायलॉग था. सो बड़े लोगों की बुक होगी या फिर उसके स्कूल की बुक होगी शायद. वॉट इज इन द बुक थॉट. क्या रह गया हमारे पास? एलिस. वॉट इज इन द बुक थॉट एलिस विदाउट पिक्चर्स और कॉन्वर्जेशन. अब एलिस क्या सोच रही है? कितनी बोरिंग बुक है, इस बुक में क्या होगा? ना कॉन्वर्जेशंस हैं, ना पिक्चर्स हैं, है ना? आपके स्कूल की बुक्स में अगर पिक्चर्स नहीं होंगी तो कितना बोरिंग हो जाएगा ना. जस्ट लाइक दैट एलिस क्या सोच रही थी? ओहो क्या बुक है ये, इसमें कुछ भी नहीं है, राइट? वील रीड द पैरा वंस मोर. एलिस वॉज फीलिंग टायर्ड ऑफ सिटिंग विथ हर सिस्टर ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर एंड डूइंग नथिंग. वंस और ट्वाइस शी हैड पीप्ड इन टू द बुक हर सिस्टर वॉज रीडिंग. But it had no pictures or conversations in it. What is in a book? Thought Alice. Without pictures or conversations. Alice को क्या लगता है? सारी books में pictures and conversations होनी चाहिए, नहीं तो boring हो जाएगी, right? Right. The next one is underline the noun in a sentence. आपके पास 3 sentences हैं, आपको noun underline करना है. Noun क्या क्या है? Name, place, animal, thing. ठीक है. सो द बाउल हैज एप्पल्स, oranges एंड mangoes. एक बाउल है जिसमें एप्पल, oranges और mangoes है. नाउ एप्पल, oranges एंड mangoes क्लियरली नाउन है, फ्रूट्स है, राइट? कलेक्टिव नाउन क्या है इसका? फ्रूट्स. सो वी विल अंडरलाइन एप्पल, oranges एंड mangoes. अब ये सब रखा किस में है? इन द बाउल. तो बाउल भी, बाउल क्या हो गया? बाउल भी थिंग हो गया, राइट? So we have 4 nouns in the first sentence. The bowl has apple, oranges and mangoes. The next one. The girls were walking back from the library. किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? Girls. So girls is, girls क्या था? Common noun. किसी एक girl के बारे में बात नहीं हो रही, girls है in general. एंड वो कहाँ से वापस आ रहे थे?
library. So that's a place. So that is also a noun. Last one, Ludo, chess and carom are indoor games. Okay, यहाँ पे क्या क्या चीजों के बारे में बात हो रही है? Ludo, chess and carom. तीनों आपके पास बोर्ड पे होते हैं ना, आप उनको टच कर सकते हो, आप उनको देख सकते हो, आप उनको उनके साथ खेल सकते हो, राइट? सो लूडो, चेस एंड कैरम्स आर इंडोर गेम्स. इंडोर गेम्स नाउन हुआ? नहीं, राइट? इंडोर गेम्स नाउन नहीं है. सो यू हैव लूडो, चेस एंड कैरम, गर्ल्स, लाइब्रेरी, बाउल, एप्पल, ऑरेंजेस एंड मैंगोज. ठीक है, आपको ओवरव्यू नाउन समझ में आया ना, राइट? सो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई सेंटेंस बोलोगे तो थिंक अबाउट उसमें क्या नाउन है. ठीक है, राइट? एम आई कॉमन और प्रॉपर? आपने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन देखा ना. कॉमन मतलब इन जनरल, प्रॉपर एक पर्टिकुलर चीज. ठीक है, नाउ आपके पास यहां कुछ नेम्स है, आपको बताना है कि ये कॉमन है या प्रॉपर है. ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन. स्पोर्ट्स पर्सन मतलब कोई भी पर्सन जो खेलता है कोई भी गेम. सो ये प्रॉपर है या कॉमन है? इट इज कॉमन, राइट? क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं बताया कि किसके बारे में बोला जा रहा है. सो इट इज कॉमन नाउ. सिटी, कोई भी सिटी, दैट इज कॉमन. विराट कोहली कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है? वो नहीं, एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन है, राइट? सो दैट इज प्रॉपर नाउन. दिवाली, दिवाली क्या होती है? फेस्टिवल. कोई भी फेस्टिवल है? नहीं, एक प्रॉपर फेस्टिवल है, तो दैट इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन. साइंटिस्ट, किसी एक साइंटिस्ट का नाम है? नहीं, इट्स इन जनरल, सो दैट इज कॉमन नाउन. अब्दुल कलाम, now that is proper, right? That is proper now. Mickey Mouse, proper. क्यों? एक ही Mickey Mouse है, right? बहुत सारे Mickey Mouse है? नहीं, so that is proper now. Festival, festival कोई भी हो सकता है, so that is common now. Delhi, एक particular जगह है. बहुत सारे Delhi है? नहीं, so that is प्रॉपर नाउन. एंड एनिमल, कोई भी एनिमल हो सकता है, दैट इज कॉमन नाउन. ठीक है, सो यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन कुछ भी कॉमन एक ग्रुप हो सकता है, एंड प्रॉपर इज अ पर्टिकुलर प्रॉपर, पर्टिकुलर नेम, प्लेस या थिंग. सर्कल द करेक्ट स्पेशल नेम एंड राइट द सेंटेंस. नाउ आपके जो थ्री सेंटेंसेस हैं इसमें आपको प्रॉपर नाउन टिक करना है, अंडरलाइन करना है. भूटान एंड नेपल, नेपाल आर इंडियाज नेबर्स. भूटान एंड नेपाल आर इंडियाज नेबर्स. यहाँ पे थ्री जगहों के नाम है, भूटान, नेपाल एंड इंडिया. दीज आर पर्टिकुलर थिंग्स, प्रॉपर नाउन है. बहुत सारे भूटान, बहुत सारे नेपाल नहीं है ना, सो दैट्स भूटान, नेपाल एंड इंडिया. नेक्स्ट इज ईशान हैज रिटन अ वंडरफुल पोएम. प्रॉपर क्या है इसमें? ईशान, वंडरफुल पोएम, कलेक्टिव हो गया, कॉमन हो गया, राइट? कॉमन, प्रॉपर, वंडरफुल पोएम. पोएम क्या हुआ? कोई भी पोएम हो सकती है, सो दैट इज कॉमन. बेला टुक अ फ्लाइट टू मुंबई. बेला टुक अ फ्लाइट टू मुंबई. कौन गया? Bela, and place is Mumbai, right? So that is proper. Ek ki Bela gayi hai and Mumbai gayi hai, right? So we have Bhutan, Nepal, India, Ishan, Bela and Mumbai. ठीक है? These are proper nouns. I hope आपको समझ में आ गया, right? So that was noun in an overview. हमने क्या क्या देखा? What is noun? Name, place, एनिमल, थिंग. चार चीजें आती है नाउन में. एंड वॉट आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ नाउन? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, सो एंड कलेक्टिव नाउन, राइट? फोर टाइप्स ऑफ नाउन.
आपने टाइप्स भी देखे एंड कुछ एग्जाम्पल्स भी किए. नेक्स्ट टाइम आप कोई सेंटेंस रीड करते हो या बोलोगे तो ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द नाउन्स, किसके बारे में बात हो रही है या कौन कहाँ जा रहा है. ठीक है, प्लेस, एनिमल, थिंग या नेम. सो दैट वॉज योर नाउन. सो टिल वी मीट नेक्स्ट, बाय बाय.